तम्बाकूजन्य पदार्थ प्रतिबंधक कायदा अंतर्गत पुलिस की प्रभावी कार्रवाई संबंध जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर महेश्वर रेड्डी ने जानकारी दी। तम्बाकूजन्य पदार्थ प्रतिबंधक कायदा अंतर्गत पुलिस की प्रभावी कार्रवाई संबंध जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर महेश्वर रेड्डी ने जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक चंद्रपुर ने जिले का पदभार संभाला, तभी से सिगरेट और अन्य तम्बाकूजन्य पदार्थ प्रतिबंधक कायदे की कड़ी अमल बजावनी करने के लिए प्रभारी अधिकारी इन्हें समय समय पर सूचना और मार्गदर्शन किया है। इसी पार्श्वभूमि पर कायदे की अमल बजावनी करते शाला महाविद्यालय के 100 मीटर परिसर में तम्बाकूजन्य पदार्थ ना पाए जाए, इसके लिए पुलिस समय समय पर कार्रवाई कर रही है। शुरू वर्ष में आज तक जिले के अलग अलग पुलिस स्टेशन अंतर्गत सिगरेट और अन्य तम्बाकूजन्य पदार्थ प्रतिबंधक कायदे के मुताबिक कुल 188 केसेस किए गए। इसमें 37,600 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। कोपटा एक्ट सेक्शन 6 प्रमाणे 18 वर्ष अपेक्षा खाली असलेल्या मुलांना तंबाकू विकण्याची बंदी आहे आणि त्याच्यासोबत एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्सच्या 100 मीटरच्या परिसरात कोणताही टोबॅको विकण्याची बंदी आहे। त्याच्या अंतर्गत आम्ही पूर्ण जिल्ह्यामध्ये आमची पोलीस सारथीची टीमला आम्ही एक प्रोजेक्ट तयार सुरू केलेला आहे। ते प्रोजेक्टमध्ये आम्ही जेवढं पण असे दुकान आहेत त्याच्यावर आत्तापर्यंत मागच्या एक आठवड्यामध्ये 180 केसेस केलेल्या आहे आणि प्रत्येकांना आम्ही वॉर्निंग पण दिलेलं आहे आणि येणाऱ्या एक महिन्यामध्ये पूर्ण प्रत्येक इन्स्टिट्यूशन एज्युकेशन इन्स्टिट्यूटच्या परिसरात 100 मीटर परिसरात ही बंद करण्याची आमची प्रयत्न चालू आहे। बंद होईल असा विश्वास आहे।